नहीं, किसी सूरत पर नहीं भाई। अब एक तकड़ी वाली प्रॉब्लम हो गई मेरे उसूल के खिलाफ। तभी तुम्हारी बहू तुमको छोड़ के दिल्ली चले जाने दो, दुनिया चली जाए। 3 दिन से चल रहा है ड्रामा। तुम्हारी औकात नहीं है तो सालो जंगल जाओ, के लिए हम बहुत हैं। मैंने अपने को ऐसे पैक कर लिया, हर जगह हमने आग लगा दी अपने पर, सब लोग चिल्ला रहे हैं। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सुबह के बज गए 9:30 और यहाँ देखो अभी लॉन्डो का बिस्तर लगा हुआ है। गुड मॉर्निंग भाई साहब, क्या हाल है? तो बिस्तर नहीं छोड़ते यार तुम टाइम से यार, सब छोड़ रहे हैं। तो भाई हमारे शुभम भाई हैं और शुभम भाई को शायद मेरे ख्याल से पूरा इंडिया जानता ही होगा, जो IPL देखता होगा तो जानता होगा, बाकी जो नहीं जानता है वो कमेंट सेक्शन में बता देना। भाई ने राजस्थान रॉयल्स से आपका 7 साल IPL खेला है और मैं एक क्रिकेटर के घर में हूँ, मतलब हमारे बड़े भैया अमित भैया, वो सारी ट्रॉफी देखी है ना तुमने, तो यहाँ क्रिकेटर का आना जाना चलता रहता है। तो भैया सुबह सुबह क्या कर रहे हैं, आपको मिलाता हूँ भैया। भैया गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग भाई, क्या चल रहा है सुबह सुबह? तो भैया देखो सब सुबह सुबह उठ के भैया ने हमारे लिए बिरयानी बिरयानी तैयारी कर दी है, वेज बिरयानी, मशरूम, न्यूट्रेला, पनीर, कॉर्न, मटर और बीन और प्याज और टमाटर। भाई साहब भैया को ना खाना बनाना बहुत पसंद है और आज भाभी गई है अपने गाँव शादी में गई, तो भैया ही सारे काम धाम में लगे पड़े। ये है देखो वो ट्रॉफी भी, आपको मैं कह रहा था ना जिनके वजह से सारे क्रिकेटर यहाँ आते रहते हैं, ये सारी ट्रॉफी हैं। और कल के ब्लॉग में आपने देखा था कि मैं दिल्ली आ गया था और आज पता है दिल्ली में मेरे बहुत जरूरी काम है। एक हफ्ते से आप देख रहे हैं कि मेरे पैर में मोच आई, मैं ट्रैक कर पा रहा हूँ, कोई काम पर कर रहा हूँ, मैं बाइक चला पा रहा हूँ। तो आज मुझे यहाँ पे अपने पैर का इलाज कराना है। लास्ट टाइम मेरी कमर में आई थी ना आपका मोच आई थी, तो भैया मुझे एक फिजियोथेरेपिस्ट के पास लेके गए थे कि तेरा पैर भी ठीक कराना है ताकि मैं नॉर्थ ईस्ट की राइड कर पाऊँ। और आज मैं जहाँ जा रहा हूँ ना पट्टी करने, किसी डॉक्टर के पास नहीं जा रहा हूँ, किसी MBBS के पास नहीं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ पहलवान के यहाँ पट्टी करने। पहलवान पट्टी क्या होती है मैं पहली बार सुन रहा हूँ, आपने किसी को पता है तो बता दो। पता नहीं क्या क्या पहलवान हाथ पैर तोड़ेगा मोड़ेगा मुझे कुछ नहीं पता। चलो पहले नाश्ता करते हैं, सच बताओ ना कॉर्न का मजा अलग ही आ रहा है। तो भाई जी ऐसा खाना खा लिया, अब एक काम करना, सबसे पहले ना कार धुलवाने जाना है आपका वॉशिंग सेंटर, उसके बाद जाके फिर जाना है पहलवान के पास पट्टी करने। भाई इतने प्यार से तो ना मैंने कभी खुद नहीं नहाया टॉवल से रगड़ के, जितने प्यार से कार को नहलाया। तो भाई जी गाड़ी को धुलवा के फटाफट से घर आ गए। यहाँ पे पहलवान है जो पट्टी बांधते हैं पैर में, पहलवान देखे अपने दंगल मूवी के, वो ना पैर में पट्टी वट्टी बांधेंगे तो आपका पैर ठीक हो जाएगा, वरना मुझे लचक लचक के चलना पड़ रहा है। तो काम करते हैं फटाफट से चलते हैं पहलवान के, कैसे होते हैं पहलवान की पट्टी मैंने पहली बार सुनी है। तो भाई देखो ये आ गई अपनी स्कूटी और इसमें बैठ के जाएंगे हम आपका पहलवान जी के। मैं पहली बार ऐसा कुछ करने जा रहा हूँ, ये पहलवान भाई साहब यहाँ बैठते हैं, यहाँ बैठे कराते हैं पट्टियाँ। पहलवान जी कैसे हो? बहुत सुना है आपके बारे में भाई, अच्छे अच्छे डॉक्टर फेले हैं यहाँ पे। तो भैया क्या क्या करते हैं आपको दिखाता हूँ। तो देसी मतलब अभी हल्द्वानी को बुलाए मैंने भाई साहब, एकदम देसी ट्रीटमेंट है, इसके चक्कर में मैं बाइक नहीं चला पा रहा हूँ। तो भाई नस निकाले गए, तरीका कैसा है मैं पहली बार देख रहा हूँ। तो पान का गुलकंद लग रहा है। तो भाई ये मेरे पैर है पता नहीं क्या लगा दिया काला काला, मैं चाहता हूँ कि 2-4 दिन में ठीक हो जाए। इस पैर की वजह से ना मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ बहुत दिन से। अब हादसा हो गया है तो ठीक तो कराना ही पड़ेगा। ओके पट्टी वट्टी बात दी है अंकल जी ने, पहलवान भाई ने पैर का पूरा मोड़ तोड़ के कर दिया इलाज ढंग से। और अभी क्या है ना, अब मैं दिल्ली में ज्यादा देर रुकूंगा नहीं, क्योंकि आपको पता है पापा की तबीयत खराब है, कल ही दिल्ली पहुंचा, अभी मुझे घर निकलना है। मैं निकलता हूं ऐसे आपका बस स्टेशन, क्योंकि पापा को ना ज्यादा दिन छोड़ूंगा तो पापा की दिक्कत हो जाएगी। भाई भी आजकल गुड़गांव आ गया जॉब के चक्कर में, हवी आ गई है, तो मम्मी के साथ और कोई नहीं पापा को संभालने वाला। कार को यहीं पे छोड़ के जा रहा हूं, भाई बस जा रहा हूं कि कार में थोड़ा सा काम होना है, हल्का फुल्का मोटिफिकेशन वाला काम था उसका, तो चलते हैं पापा के पास वरना फिर पापा नाराज जाएंगे, आपको पता है पापा वैसे ही कितना रो रहे थे कल के ब्लॉग में आपने देख ही लिया था। मैं आ चुका हूँ आपका ISBT बस स्टैंड पे, यहाँ से मुझे हल्द्वानी की बस पकड़नी है। तो भाई जी ये है अपनी बस हल्द्वानी की, छोड़ दे घर। पंडित जी लो, तो लोग इस तरीके से मेहनत करके भी पैसा कमाते हैं, चोरी करना ही जरूरी नहीं है हर चीज की। सुबह 4-5 घंटे का सफर पूरा और मैं पहुंच गया अपने घर, तो चलो घर के अंदर चलते हैं। तो भाई घर वाले सारे लोग कहाँ? हेलो मम्मी क्या हाल है? नमस्कार। हेलो पापा नमस्कार। ठीक है, क्या कर रहे हो ये? तुम पूरे दिन अखबार ही पढ़ते रहते हो क्या? अखबार पढ़ते हैं, अखबार अच्छी चीज है। क्या अच्छी चीज? ऐसे तो कुछ नहीं आ रहा खास अखबार में, ये दुनिया की खबरें आती हैं अखबार में। कोई नहीं आती है पापा खबरें, रोज एक वही घिसी पिटी खबरें कि मोदी 400 पार हो गए, 400 पार हो गए। ये कोई नहीं, ये मोदी का पेपर छोड़ी है कोई, ये ऑल इंडिया ऑल वर्ल्ड का पेपर है। वैसे इस बार तो मोदी 400 बार होंगे, 400 या 500 सकते हैं, लेकिन हम तो जन्म से कांग्रेसी हैं। लेकिन वोट हम मोदी को देंगे? नहीं नहीं, वोट तो हमारा कांग्रेस को ही जाएगा। क्या करोगे कांग्रेस को वोट देगा? पूरे देश से खत्म होगी, गायब हो गई है, अपने आप होती है। हम तो हैं देश के लिए, हम बहुत हैं, हैं देश के लिए हम बहुत हैं। 400 पार हो गए मोदी जी इस बार, कल फिर क्या हो गया? तो भाई अभी घर पहुंचते पहुंचते ना एक तगड़ा वाला कांड हो गया, हर जगह हमने आग लगा दी अपने पूरे गाय बच्चों को, वहाँ ना सब लोग चिल्ला रहे हैं बहुत जगह पे, मधुमक्खी पता नहीं कहाँ से आ रही है, इसलिए हम जगह जगह पे धुआं लगा रहे हैं। भाई साहब देखो हमने हर जगह धुआं धुआं कर दिया। आई कहाँ से मधुमक्खी? आई
और भाई ऐसा नहीं कि सिर्फ हमने अपने घर में कर रखा धुआं धुआं ना, हर जगह जहाँ आप देखो घर वहाँ देखो, वो देखो सामने और इधर देखो सामने, हर कोई घास उठा रहा है भाई साहब, ये तो काटने को आ रही है। घर घर में धुआं लगाना शुरू कर दिया। चलता है आगे आगे आगे, मधुमक्खी आ गई, भाग गई तो भाग गई। क्या हुआ, चार घरों को काट दिया। किसको काटा, आए कहाँ से मधुमक्खियाँ? ये शिव मंदिर जब पीपल के पेड़ में हाँ? ना तो बाग छेड़ दे रहा उसे, तीन दिन बाग बाग बाग। देखो हमारे घर में एक बच्चे को काट दिया, कितना काटा दिखा यहाँ पे, काटा हल्का दिखा दिखा दिखा। अरे ऐसे नहीं दिखेगा यार, सूझ गया, लाल लाल हो गया। ले फटाफट टमाटर नहीं नींबू लगा लेते। तो भाई देखो हमारे घर वाले भी कलाकार हैं, नींबू नहीं है तो टमाटर लगा ले। पूरा धुआं धुआं कर दिया घर के बाहर भाई साहब, इससे तो हालत खराब हो गई है। पता है यहाँ पे ना पास में आपका 100 मीटर आगे एक बड़ा सा मधुमक्खी का छत्ता लगा हुआ है, वो चील होती है ना चील, बार बार उसमें क्या कहते हैं चौंच मार के उसको छेड़ दे रही है, और हमारा रहना हराम हो जा रहा है आस पास। कल को चार जनों को खा, तीन दिन से चल रहा है ड्रामा, तीन दिन से। तो तू कुछ करते क्या करे, बहुत ही परेशान हो गए। कल एक को खा रहे तो मरते मरते बेहोश हो गया। भाई अब एक तकड़ी वाली प्रॉब्लम हो गई है, बाहर है मधुमक्खियाँ और अभी गैस वाले आने वाला है, गैस भरवानी है। मैंने ना अपने को ऐसे पैक कर लिया, खाली मुँह मुँह खोल लगा है बस, आंखें ना बंद हो जाए मेरी, बाहर ना मधुमक्खी मधुमक्खी हो रही है, अब गैस वाले भी आज ही आने वाले। चलो गैस भराता हूँ पहले जाके, तो सिलेंडर तो बाहर रख दिया। तो भाई जी डरते डराते मरते बचाते मैंने गैस भरा ली, अपना सिलेंडर रेडी हो गया अगले महीने के लिए, कोई टेंशन नहीं। अब जाता हूँ पापा के, पापा से बोलता हूँ पापा पैसे लाओ 1000 रुपए गैस सिलेंडर। पापा हेलो पापा, गैस भरा दी, गैस 1000 रुपए लाओ। गैस भरा दी तो बड़ा भारी कर दिया तुमने, गैस भरा दी तुमने, एहसान कर दिया बहुत बड़ा हमारे ऊपर। मैंने खाया कि तुमने खाया, उस दुनिया ने खाया इसमें घर वालों ने। तो पापा गैस भराई उसके पैसे तो 2000 कम से कम यार, गैस भराई भराई के पैसे से कुछ नहीं, कमाई कर रहे हो तो तुमको भरानी पड़ेगी। मैं नहीं भराऊंगा, आज तक मैंने भराई इतनी कैसे भराई, सारी दुनिया भर की कैसे भराई, क्या इसीलिए मैंने भराई, तुमने दिए मेरे को पैसे। तो तुम पापा हो, हम बच्चे हैं। बच्चे पापा से मतलब नहीं है, कमाई अपने अपनी, खर्चा अपना, औकात नहीं तुम्हारे चले गैस भराने की है। दुनिया भर का काम कर रहे हो, दुनिया भर का घूम रहे हो, फिर लो ऐश कर रहे हो, और सर दुआने की गैस भरा नहीं सकते तुम। गैस नहीं, गैस भरा दी, गैस भरा दी, एहसान कर दिया मेरे ऊपर। अब गैस भराने की तुम्हारी औकात नहीं है तो सालो जंगल जाओ, जो जो कट्ठे लकड़ी लाओ अपने कंधे में, और वो लकड़ी जलाओ और खाना बनाओ, खाना खाओ। कोई काम नहीं सालों के बाद घूमने किसी को। अरे पापा चलो कोई बात नहीं, मत दो पैसे, रहने दो, कोई बात तुमसे नहीं मांग रहा हूँ पैसे, मैं खुद खर्चा कर लूंगा। भैया को लेके आना बोला, पास लेके भेजा, उसको छोड़ने जाना, और छोड़ने जाना, और दो चार दिन रह करके उसको लेके आना बोला। चाहे आए हीरो जैसे कार भी छोड़ गया का हल वहाँ दिल्ली में। तो तुम्हारी बहू ने कहा मैं नहीं आ रही अभी यहाँ को दमोला को, मैं नहीं आ रही, क्या मतलब होता है, वहाँ बैठ के काम करो, बोल घर में बैठी। तो तुमने उनको ऐसे जाने क्यों दिया, कोई जरूरत नहीं है, इनसे को तुरंत आओ घर पर, ऑनलाइन काम करो। पापा एक बार घर की बहू निकल गई ना बाजार को घूमने शहरों में, फिर नहीं आता तो घूमने, ये तो गलत बात है यार। मैंने तो पापा अपनी तरफ से 2-3 बार कहा कि पापा की तबीयत खराब है, चलो चलो अब आई नहीं तो हम क्या करें, गलत बात है। पागलपन छाया हुआ है खोपड़ी में और कुछ नहीं है, और थोड़ा मैं डांट लगाऊंगा फिर कहेंगे डांटते हैं हमको। चलो छोड़ो तुम गुस्सा छोड़, मैं तो आ गया हूँ, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। तू आ गया है, तू आता बाद में जाने के लिए पहले पागलपन करता था। चलो कोई नहीं, चाय बनाओ, बड़ी वाली चाय पियो। अब तुम्हारी बहू नहीं है तो तुम्हारा बेटा तो है ही है। यहाँ रहो ना, अब तुम्हें आया हुआ भी 14 घंटे हुए नहीं है, तुमने जाने की पहले दरख्वास्त। अभी कहाँ जा रहा हूँ, कार लेने जाऊंगा उस दिन, जाऊंगा तुमको भी ले आऊंगा उस दिन कार से घुमाते घुमाते। अरे मुझे कहाँ घुमाया, मैं घर छोड़ दूंगा क्या यहाँ। अरे एक दिन के चले दिल्ली घूम के आएंगे, ठीक है। दिन के लिए कुछ नहीं होता है बाबू, बहुत परेशानी होती घर में, मम्मा अकेले जाती, जानवर अकेले जाते, सारा घर छूट जाता, सब खोपड़ी में सारा लहसुन धनिया सब पीसा पड़ा है। तो भाई चलो पापा के लिए चाय बनाते हैं बढ़िया वाली, और दिल्ली से पहुंच चुका हूँ घर, तो पापा के लिए चाय बनाता हूँ, आज के ब्लॉग को यहीं खत्म करते हैं, कल मिलते हैं आपसे फिर एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, ओके बाय बाय। पापा की बात का बुरा मत मानना, ओके। पापा कांग्रेसी अंदर से लेकिन वोट बीजेपी को, तो अंदर से तो कांग्रेसी हो बाहर से बीजेपी हो ना, बीजेपी को लास्ट में वोट दोगे इन दोगे? नहीं, क्या किसी सूरत पर नहीं। क्यों? मेरे उसूल के खिलाफ। तभी तुम्हारी बहू तुमको छोड़कर दिल्ली चली गई, जाने दो दुनिया चली जाए, हम अपनी जिंदगी अपने दम पर जीते हैं भाई, हम किसी दूसरे के तीसरे के चौथे के भरोसे पर नहीं जीते। बेटा हमारा पेट भरेगा, रोटी लाएगा और खाना खिलाएगा, वैसी बहू भी लाएगी, वो भी लाएगी, ऐसे हमारा काम नहीं चलता भाई। हम अपने फन के आदमी हैं, हम अपनी जिंदगी जीते हैं और बड़ी शान से जीते हैं, किसी के भरोसे नहीं।